नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं। पहला न्यूज़ के हम बारे में बात करेंगे, वहीं पे BSNL एक JEE पे FIR हो चुका है। हम आपको विस्तार से बताएंगे आखिर इस JEE पे क्यों FIR हो चुका है, ये JEE ने कौन सा घोटाला किया है और BSNL के इस JEE को कैसे एक सर्टिफिकेट देने पर जाली सर्टिफिकेट देने पर केस हो चुका है, यह कैसे पता चला, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। और दूसरा है BSNL का 4G और टावर लगेगा। 25 साल से फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था जूनियर इंजीनियर। ग्वालियर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे जूनियर इंजीनियर के खिलाफ जाँच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जूनियर इंजीनियर के खिलाफ शिकायत आई थी कि वह 25 साल से भारत संचार निगम लिमिटेड में नौकरी कर रहा है। जब विभागीय जांच की गई तो यह शिकायत सच पाई गई, जिसके बाद सहायक महाप्रबंधन के पत्र के जरिए ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना में जूनियर इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच अपराध के नजरिए से करेगी और आरोपी के खिलाफ एक्शन लेगी। शहर के सिटी सेंटर निवासी महेश कुमार पुत्र शिव गोपाल सहायक महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शिकायत की थी कि राकेश कुमार गोड़िया भारत संचार निगम लिमिटेड में बतौर जूनियर इंजीनियर पदस्थ हैं। अभी वह ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय में काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले राकेश कुमार के खिलाफ एक शिकायत हुई थी जिसमें बताया गया था कि नौकरी पाने के लिए 25 साल पहले लगाए गए दस्तावेज जाली हैं। शिकायत करने वाले जाति प्रमाण पत्र की पूरी तरह फर्जी बताया है। इस स्तर पर विभागीय जांच कराई गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया फर्जी निकला। इस पर विभाग ने अपने स्तर पर विभागीय जांच कराई जिसमें उनके द्वारा नौकरी ज्वाइन करते समय लगाया गया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की जांच की गई तो वह संदिग्ध नजर आया। इसके बाद तत्काल मामले को पुलिस को देने का फैसला किया गया। सहायक महाप्रबंधक महेश कुमार ने SSP ग्वालियर के नाम से लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आवेदन पर से अपने यहां धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। 25 साल से आराम से नौकरी कर रहे हैं राकेश। बताया गया है कि राकेश ने 25 साल पहले भारत संचार निगम लिमिटेड में नौकरी ली थी। उस समय जाति प्रमाण पत्र उन्होंने पात्रता नहीं होने के बाद भी फर्जी तरीके से बनाकर लगवाया था। यह खुलासा विभागीय जांच में हुआ। इस दौरान वह बीते 25 साल से विभाग में काम कर रहा था। विभागीय जांच में हुआ इस दौरान बीते इस मामले में SSP विश्वविद्यालय रत्नेश तोमर ने बताया कि फर्जी दस्तावेज से नौकरी लेने वाले जूनियर इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है एवं जांच के बाद ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। अब दूसरी जो हम बात करेंगे दोस्तों, वह चीन सीमा पर जल्द घनघनाएंगे मोबाइल। नेलांग और जानुंग में BSNL का लगा रहा टावर। उत्तरकाशी जिले के नेलांग जादोंग गांव में BSNL मोबाइल टावर स्थापित करने जा रहा है। दोनों गांव में ITBP और सेना की चौकियां स्थापित है। इस क्षेत्र में संचार का माध्यम केवल सैटेलाइट फोन है।